स्वागत है आपका सीजी जॉब 2.0 पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा में जो है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के भर्ती है, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आप बिलासपुर में 50 पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग में जो है भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, उसके संबंध में भी आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर जो है अंत तक जरूर बने रहिए और जो है वीडियो को बिना स्किप करे जो है पूरा जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए अब बिना टाइम इसके सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, कार्यालय उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण जिला जांजगीर चांपा की तरफ से 19 तारीख को जो है यहाँ पे यह रिक्रूटमेंट जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें जिले के शक्ति विकास खंड में जो है एक स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत जो है माइक्रो वाटर सेट सचिवों जो कि संविदा पद रहेगा पर भर्ती हेतु जो है आवेदन आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं परियोजना का नाम दिया गया है, अलग अलग परियोजना में जो है आपको यह पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, प्रत्येक में एक पोस्ट दिया गया है। श्रेणी की बात करें तो आरक्षक श्रेणी के कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन करेंगे, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगा गया है और माइक्रो वाटर सेट क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम या ग्राम पंचायत का निवासी एवं कंप्यूटर में अनुभव को जो है इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप किसी अन्य जिले के कैंडिडेट हैं तो इसमें जो है आपको बाद में प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका चयन जो है अपने शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर जो है आपका इसमें होगा। तो चयन हेतु जो है मेरिट लिस्ट इसमें आपका जारी किया जाएगा दोस्तों। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक का जो है 100 अंक का वेटेज देते हुए जो है 85% लिया जाएगा, कंप्यूटर को प्राथमिकता और न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो 5 अंक आपको इसमें दिया जाएगा, 5 वर्ष का अनुभव है तो 10 और इसी प्रकार से 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 15 अंक आपको इसमें दिया जाएगा दोस्तों। और आपके पास रोजगार कार्यालय का जो है जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी को जो है आपको क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख जो है दिए गए प्रारूप में करना होगा और जो है उसका फोटोकॉपी भी आपको जो है संलग्न करना होगा। लिफाफे के ऊपर जो है आपको आवेदित पद एवं जो है परियोजना विकास खंड का नाम लिखना होगा दोस्तों। आवेदन का प्रारूप जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है इसी को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तरफ दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण जिला बीजापुर की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। 16 जनवरी को यहाँ पे यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो पूर्व चैंपियन एथलीट्स को जो है प्रशिक्षण पद यानी कि अस्थायी पद पर यहाँ पे नियुक्ति हेतु जो है इंटरव्यू के लिए दिनांक 30 जनवरी 2023 को समय सुबह 11 बजे जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया जाएगा इंटरव्यू। और इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी जो है निर्धारित प्रारूप सहित जो है अपने समस्त डॉक्यूमेंट को लेकर जो है आप उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रशिक्षक की भर्ती यहाँ पे जारी हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व चैंपियन एथलीट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में यही यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों और जो है इसमें प्रेफरेंस भी दिया गया है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, तो उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए है और टीम स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है अगर आपने कहीं पर मेडल जीता है, नेशनल लेवल पर मेडल वगैरह जीता है तो उन ऐसे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा सकता है जो कि NSC या फिर जो है AIU के तरफ से जो है यहाँ पे चैंपियनशिप जीत चुके हैं उनको जो है प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा, तो उसके लिए जो है आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जो है यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो एज लिमिट यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया है, इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जो है आप चैंपियन एथलीट है अगर तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, चयन के माध्यम से जो है इंटरव्यू के माध्यम से आपको जो है इसमें चयन होगा दोस्तों। 30 जनवरी 2023 सुबह 11 बजे आपको कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर में अपनी उपस्थिति देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका अवलोकन आप कर सकते हैं। इसमें जो है आवेदन का प्रारूप भी दिया गया है, उस आवेदन के प्रारूप को आपको फिलअप करना होगा और साथ में ले जाना होगा, ठीक है। तो ये रहा आवेदन का प्रारूप, इसका जो डाउनलोड लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिलासपुर जिला की तरफ से जो 50 पोस्ट यहाँ पे जारी हुआ है वो है डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन बिलासपुर द्वारा जो है 50 पदों पर प्लेसमेंट कोर्स का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें
यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन की योजना के अंतर्गत जो है शहरी और ग्रामीण युवक युवतियों के लिए जो है निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण गरीब पिछड़े हुए और अन्य लोगों को जो है सुनिश्चित प्राइवेट जॉब रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बेरोजगार हैं, 12वीं पास हैं, वो इसमें जो है जा सकते हैं, जिससे बहुतों की प्राइवेट जॉब लगी है, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको मनपसंद जॉब प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बात करें कुल 50 पोस्ट हैं अलग अलग। रिक्त पदों के नाम की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको जो है यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में जो कि रहेगा। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसमें कि आपको MS ऑफिस, MS वर्ड, एडवांस एक्सेल, टाइपिंग स्किल, ईमेल राइटिंग आदि बहुत सारे जो है टेक्निक आपको इसमें सिखाया जाएगा। सॉफ्ट स्किल का है, एप्टीट्यूड का है, इंटरव्यू स्किल, सेक्टर रीडनेस के लिए है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जैसे पदों पर जो है आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के साथ ही आपको इसमें प्रॉपर जॉब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो जो है इसमें 12वीं पास उत्तीर्ण मांगा गया है, और जो है 2 माह का जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 वर्ष यहाँ पे बताया गया है, और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 कलर फ़ोटो, बैंक पासबुक और टीकाकरण प्रमाण पत्र अगर है तो आपको जो है ये सब लेकर जो है वहाँ पर जाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो है आप 100% विशेषज्ञता सुनिश्चित पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध यहाँ पे कराया जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर लैब प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। कोर्स समाप्ति के बाद जो है आपको इसमें सुनिश्चित नौकरी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रशिक्षण है निःशुल्क प्रशिक्षण रहेगा दोस्तों, जिसके लिए आपको आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 28 जनवरी 2022 तक इसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन आपको कैसे करना है, तो जो है आपको संपर्क करना होगा ग्रोथ सेंटर बिलासपुर, SBR कॉलेज के पास, वरुण सुजुकी के पीछे, राजीव गांधी चौक, राजहरा भाटा, बिलासपुर में आपको जो है संपर्क करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है दोस्तों, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो है आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिएगा, तो वहां से भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इस पर जो है एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा दोस्तों अधिक जानकारी के लिए, जैसा कि आपके स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए यही था दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।